दोस्तों दोस्तों आज किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन करना चाहते हैं 4 इंची 5 इंची, तो आपको कौन सी पाइप बेस्ट रहेगी। अगर आपकी लंबाई है करीबन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 1.25 किलोमीटर के आसपास या उससे भी ज़्यादा। दोस्तों पाइपलाइन दो तरह की है, पीवीसी एचडीपी। पीवीसी बढ़िया पाइपलाइन है, कोई दिक्कत नहीं, और उसमें भी आते हैं 2 ढाई के जी, 4 के जी, 6 के जी, और एक आती है उससे बेस्ट क्वालिटी, वो है एचडीपी। एचडीपी पाइप की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, बट वो कॉस्टली भी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। बट इससे अच्छा पीवीसी है, कोई दिक्कत नहीं आती पीवीसी में भी। पीवीसी की मोटाई कम होती है पर क्वालिटी बेस्ट होती है, कोई दे दें। बस पीवीसी खरीदते समय एक ही बात का ध्यान रखिए कि ISI मार्क पाइपलाइन ही खरीदें, बिना विदाउट ISI मार्क ना खरीदें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर ISI मार्क नहीं होता पाइप के ऊपर तो वो ना लें, अगर लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप पीवीसी डाल रहे हैं तो कौन सी डालनी चाहिए। दोस्तों अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया है आपका, तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको कि आपकी जो पाइपलाइन है वो सीधी लेकर जा रहे हैं या कितने मोड़ दे रहे हैं। ऐसा है दोस्तों, जो आप पाइपलाइन में जितने मोड़ देते हैं उससे मोटर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट जो पाइपलाइन है उस पर फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपने 4 मोड़ दे दिए तो जो लास्ट वाला चौथा मोड़ होगा उसका लोड पड़ता है पीछे वाले 3 मोड़ पर। अगर तीसरा मोड़ है तो उसका लोड पड़ता है पीछे वाले 2 मोड़ पर। दूसरा मोड़ है तो उसका लोड पड़ता है पीछे वाले मोड़ पर। ऐसा क्यों होता है? पानी जब मुड़ता है तो थोड़ा दाब पड़ती है पीछे वाले मोड़ पर, जहाँ पर पिछला जोड़ होता है या मोड़ होता है, जहाँ पर भी जॉइंट लगा होता है वहाँ पर होता है। पीवीसी में एक बेनिफिट होता है एचडीपी में जो नहीं होता, कि पीवीसी में एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर चली जाती है, एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर चली जाती है, और बिल्कुल फिटिंग ऐसी होती है कि वो वहां से लीक नहीं करती, बट लीकेज होगी कहाँ से, जहां पर मोड़ होगा। इस बात का जरूर ध्यान। मोड़ से बचना तो एक तरीका है, जैसे कि अगर आप किसी जगह पाइपलाइन ले जा रहे हैं जहां पर मोड़ दे रहे हैं, अगर आप वहां पर पाइपलाइन थोड़ी घुमा सकते हैं, थोड़ा सा अगर 2 पाइप एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वो मोड़ करके ले जाए आप, सॉरी घुमा कर ले लें पाइप, मोड़ ना डालें। जितने ज़्यादा जोड़ डालेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी पाइपलाइन अंडरग्राउंड करें, जो सबसे भाई मोड़ जहाँ पर डालते हैं, जहाँ एल्बो डालते हैं, ठीक है, उस जगह सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपका वो जोड़ खुले ना। अगर कहीं भी जोड़ खुलेगा तो वही खुलेगा, पाइप एक दूसरे के अंदर डाल रहे हैं, उस समय भी ध्यान रखें कि निशान लगा लें कम से कम 4 से 5 अंगुली दूर, और उस पर पाइपलाइन डालें, तब ध्यान रखें पाइप पूरी अंदर चली गई। अगर आप पाइप एक दूसरे पाइप के ऊपर नहीं चढ़ाते तो भी दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि कितना कॉस्ट है। दोस्तों ऐसा है, पीवीसी पाइप ज़्यादा महंगी नहीं आती, पर हर स्टेट वाइज, हर मंडी वाइज पाइप का रेट चेंज होता रहता है। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है, पाइप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो जुड़ता जाता है। अगर आपकी पीवीसी पाइप कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है तो वो ट्रांसपोर्ट प्लस होता जाता है, तो इसका कोई रेट कह नहीं सकते। अगर आप आपके शहर के या आपके घर के पास 2 मंडियां लगी थी, दोनों मंडियों में देख के आएंगे, दोनों का रेट में फ़र्क मिलेगा, 2 से 4 रुपये मिले भले, बट फर्क मिलेगा। इसलिए कॉस्ट का बता नहीं सकता, बट पाइपलाइन लें तो पीवीसी लें, एचडी पे बहुत महंगी होती है। पीवीसी में कोई दिक्कत नहीं, 2.5 के जी बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा मोड़ देते हैं तो उसमें आपको क्या है कि जो मोड़ है वो बढ़िया क्वालिटी के यूज़ करें, और मोड़ वाले जो 2 पाइप है वो आप 4 के जी के ले लें, बढ़िया क्वालिटी के ले लें। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा मोड़ आएंगे, आपको पता लग रहा है भाई 1 किलोमीटर है, अगर हम भी एक मुरब्बा सीधे लेके जा रहे हैं, एक मुरब्बा तिरछी ले जाएंगे, उसके बाद फिर सीधे ले जाएंगे, फिर तिरछी, तो आपको 4 के जी यूज करना होगा, और मोड़ है वो भी बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करना, और मोड़ में अच्छी तरह से गोंद लगाकर हीटिंग करके उसके ऊपर, तभी जाकर वो पाइपलाइन टिक पाएगी। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो कुछ समझ आ गया। अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के संबंधित, मोटरों के संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, खेती के संबंधित, तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, हो सके तो वीडियो भी बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।